हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाएंगे रोज सिरप। रोज सिरप शरबत में, फालूदा में, डेजर्ट में, लस्सी में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके लिए ज्यादा करके सब लोगों के घरों में रोज सिरप तो होता ही है और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। लेकिन मार्केट से जो रोज सिरप लेके आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए आज रोज सिरप को घर पे बना लेते हैं। 100 ग्राम देसी गुलाब की पंखुड़ियां ली है। इस तरह के इसमें जो बीज का पार्ट वगैरह रहेगा, डंडी वगैरह, वो मैंने निकाल दिया है और अच्छे से क्लीन कर लिया है। एक बड़े बाउल में पानी ले लिया, पंखुड़ियां ऐड करेंगे। अभी इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी गुलाब की ये पंखुड़ियों को इस छलनी में ले लेंगे। अगर जरूरत लगे तो 2 से 3 बार भी आप इसे वॉश कर सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को मैंने एक कढ़ाई में ले ली है। अभी हम इसमें 1/2 लीटर पानी डालेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। अभी इसे हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जिससे गुलाब की पंखुड़ियों का कलर और फ्लेवर दोनों भी ये पानी में आ जाए। 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि गुलाब की सारी पंखुड़ियां सफेद हो गई है और कलर सारा पानी में आ गया है। और 1-2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। 5 मिनट्स हो गए, देख सकते हैं सारी गुलाब की पंखुड़ियों का कलर और फ्लेवर पानी में आ गया है। फ्लेम ऑफ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर छान के यही कढ़ाई में ये पानी वापस ले लेंगे। पानी को छान के मैंने ये कढ़ाई में ले लिया और सारी जो गुलाब की पंखुड़ियां है उसको निकाल देंगे। अभी हम वैसे तो ये पानी में बहुत ही अच्छा कलर आ गया, लेकिन ये सिरप एग्जैक्ट बाहर मिलता है वैसा बनाना है। इसके लिए 2 से 3 ड्रॉप सब रेड कलर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करेंगे, 400 ग्राम शुगर लिए मैंने। फ्लेम ऑन करेंगे, शुगर को मेल्ट कर लेंगे। शुगर सारी मेल्ट हो गई है और चाशनी में बॉईल भी आ गया है। अभी ये चाशनी को हम 8 से 10 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। हमें इसमें कोई तार नहीं करना है, लेकिन चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। 10 मिनट्स हो गए, चाशनी को चेक कर लेंगे। देख सकते हैं इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, लेकिन हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर लेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से ये सिरप खट्टा नहीं होगा, लेकिन शुगर के क्रिस्टल नहीं जमेंगे। और 1/4 टीस्पून रोज एसेंस डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी इसको ठंडा कर लेंगे। हमारा रोज का शरबत प्रिपेयर हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और पूरे घर में ये रोज सिरप की बहुत ही अच्छी अरोमा भी आ रही है। 1 ग्लास लिए सिरप डालेंगे। यहाँ पे मैंने भिगोए हुए चिया सीड लिए है। अगर आपके पास सब्जा है तो आप सब्जा भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून जितने ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे एकदम चिल्ड लिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे। रोज की पेटल्स रखेंगे। हमारा रोज सिरप प्रिपेयर हो गया है और ये रोज सिरप के साथ मैंने दूध वाला रोज शरबत भी प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे सब्जा या चिया सीड डालना ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसको आप पानी के साथ भी बना सकते हैं। पानी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही मस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, एकदम मस्त मस्त ऐसा हमारा रोज सिरप प्रिपेयर हो गया है और इसमें से हमने ठंडा ठंडा कूल कूल रोज शरबत भी बना लिया है। इसमें हमने फ्रेश रोज पेटल का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही ठंडक देगा। रोज सिरप को आप फ्रिज के बाहर 1 महीना और फ्रिज के अंदर 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रोज सिरप आप भी जरूर बनाना, आपके रिव्यूज मुझे जरूर बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।